प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वालों भारतीय जनता को एक अपील की गई थी कि तुसी 5 अप्रैल नू रात नू 9 बजे 9 मिनट तक अपनी बालकनी दे विच खड़े हो के लाइट ऑन करनी है और दीवे जगाने और मोमबत्तियां जगानियां है, जिसने इंप्लीमेंट करते हुए भारतीय लोगों ने अज तुसी तस्वीर देख सकते हो कितना अपनी अपनी बालकनी ते खड़े हो के टॉर्च ऑन की है, अपने मोबाइल्स की टॉर्च जी ऑन की हुई है और लगातार ये तस्वीर तुसी लाइव अमृतसर ते देख रहे हो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कहा गया सी उसनू इंप्लीमेंट किया जा रहा है, यानी कि काफ़ी भारतीय लोगों के उत्साह काफ़ी देखने मिला है कि प्रधानमंत्री साढ़े जो उन्होंने ये गल कही सी कि तुसी अपनियां बालकनियां दे विच खड़े हो के लाइट्स जगानियां है उसनू इंप्लीमेंट किया जा रहा है। साढ़े नाल इस समय एकता वोरा जी मौजूद ने जो कि बीजेपी के प्रवक्ता ने, उन्होंने नाल भी गलबात करांगे। फिलहाल असी इस टाइम खड़े हाँ न्यू गोल्डन एवेन्यू दे विच जिथे ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे जो उन्होंने कहा सी उस चीज़ नू इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एकता वोरा जी दे नाल गलबात करांगे ते जानांगे कि प्रधानमंत्री साहब ने जो कहा सी इस दे पिछे उन्हां दा की मकसद सी। इहदे पिछे ये मकसद सी जो मैनू लगदा मेरा अपना जो परसनल विचार है वो इहदे ते ये है कि जदों असीं दिया जलाने आ उस टाइम ते जिहड़ी अग्नि प्रज्वलित हुंदी है, मेरा ये मनना है कि उस अग्नि दे विच जल के महामारी जिहड़ी करोना नाम दी विश्व दे विच इस वेले इन्ने अपना प्रभाव पाया होया वो उस दीए दी लो दे विच जिहड़ी है वो जगेगी, उस अग्नि दे विच जग के वो खत्म हो जाएगी और ये जिहड़ी रोशनी है दीए दी इस समस्त संसार नू रोशन करेगी। कुछ टाइम पहला काफ़ी भारी बारिश जिहड़ी सी वो आ रही सी, गड़ेमारी भी हो रही सी, तूफान जिहड़ा वो चल रहा सी, कितना कितने लग रहा सी कि हो सकता है कि अमृतसर दे विच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जिहड़ा प्लान है वो कितना कितने फेल हो सकता है, लेकिन इस दे बावजूद भी बारिश जिहड़ी वो एट टाइम जिहड़ी वो हटी और लोग अपने अपने जिहड़े कोठियां ते चढ़ के छतां ते चढ़ के लाइट्स नू ऑन कर रहे ने, किस तरह देखदे हो इस चीज़? देखो जी, मैं इस चीज़ नू इस तरह देखदी हाँ कि इहदे विच प्रभु भी आप हाज़र नाज़र ने, क्योंकि तुसी आप देख रहे हो इन्नी ज़्यादा तूफान सी, इन्ना गड़ा पै रहा सी, तेज़ तूफान सी, बारिश अंतां दी बारिश सी, उहदे दरम्यान भी 9 बजन तो 10 मिनट पहले ही सारा कुछ एकदम न्यूट्रल हो गया और असी इस वेले अपने कोठे दी छत दे उत्ते खड़े हाँ और तुसी नज़ारा देख रहे हो सारे पासे। मैं ये कहनी हाँ कि तुहानू भी सुनाई दे रहा है, सिर्फ दिया ते जग ही रहा, समस्त लोगों ने अज दिए भी जलाए है, उहदे नाल नाल जिहड़ी शंख नाद की आवाज़ है वह लगातार तुहाडे ते साडे कन्नां दे विच गूंज रही है। इहदे तों ये पता लगता है कि अज ईश्वर जिहड़ा है उन्हें आप सहाई होया इस काम दे विच और इहदे तों सानू मुक्ति भी जरूर मिलेगी करोना नाम दे वायरस तों। सो जिस तरह प्रधानमंत्री साहब ने पहला भी एक संदेश भारतीय लोगों को दिता सी कि तुसी आपो अपने घरां दे विच घरां दे बाहर खड़े हो के या बानकली ते खड़े हो के तुसी थालियां वजाउणियां है, किस ना किसी चीज़ के नाल तुसी नॉइस करनी है, संघ वजाना है, उस चीज़ नू इंप्लीमेंट करते काफ़ी लोगों वल्लों उन्हां नू समर्थन भी किया गया सी, उस तरीके दे नाल हुण भी समर्थन जिहड़ा बहुत भारी तादाद दे विच देखण नू मिल रहा है। हाँ जी, उदों भी जदों थालियां वजाइया सी उदों असी जिहड़ा साडे डॉक्टर्स ने, साडे पुलिसकर्मी ने, साडे NGOs ने या जिहड़े भी वो लोग जिहड़े भी कार्यकर्ता आगू ने, मतलब जो भी संसार दे सोसाइटी चेरे विच रहन वाले जिहड़े कि शायद वो NGO दे नाल भी नहीं जुड़े, किसी वर्कर दे वर्कर भी नहीं है पर वो फिर भी सेवा दे लई अगे आए ने, वो सारियां दा थालियां वजा के एक शुकराना सी उस समस्त लोगों का, डॉक्टर्स का, पुलिसकर्मियों का, साडे समाज दे विच सारे ही लोग जिहड़े कि आम जनता जिहड़ी गरीब जनता दे लई जिन्होंने अग्गे हो के सारा काम समेटिया, उन्होंने भोजन भी प्रोवाइड किया, सब कुछ साडे लीडर्स जिहदे विच साडे भाजपा दे लीडर्स देखो इन्ने अग्गे हो के सारा काम उन्होंने किया, ये उन्हां सारयां नूं सलाम सी, थाली वजा के वो नॉइज़ एक सलाम सी। पर कितने ना कितने सोशल मीडिया के उत्ते इसका काफ़ी मजाक भी बनाया गया सी कि थाली वजाउण दे नाल करोना भजेगा या इस तरीके दियां बहुत सारिया जिहड़ियां प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बहुत सारी टिप्पणी भी कीतियां गईयां, मजाक भी उड़ाया गया, इस चीज़ नूं किस तरह देखदे हो कि उन्हां लोकां नूं की संदेश दोगे? देखो जी, जिहड़ी ओपोजिशन हुंदी है ना उहनूं गल करन लई कोई ना कोई गल चाहीदी है, इस वेले सारा देश जिहड़ा वा वो महामारी दे नाल जूझ रहा
और जिहड़ी ओपोजिशन है उहदे ते राजनीति कर रही है, जिहड़ी कि बहुत ही शर्मसार हरकत है, गंदी हरकत है। सगों सानू साथ देना चाहिदा है। इहदे नाल साडे प्रधानमंत्री जी लड़ रहे है, इस बीमारी नू भजाउण दे लई लड़ रहे है हर तरीके दे नाल। सेंटर गवर्नमेंट तो मदद भी आ रही है, जे उहदे नाल नाल एक मतलब उन्होंने कहा है कि अज दिया जलाओ या थाली बजाओ, सानू इहदा समर्थन करना चाहिए, ना कि इहदे उपर गंदी राजनीति करनी चाहिए। सो मेरा यही मनना इस पर। कितना कितने समझते हो कि एक उम्मीद की किरण जागती है दिया जलाने दे नाल, शायद प्रधानमंत्री साहब ने इस करके कहा होवे कि एक नई उम्मीद की किरण जागेगी करोना वायरस तो जिहड़ी है निजात मिलन तो बाद। ये तो देखो जी, तुसी देखो ये सतयुग तो लैके हुण तक दीए दा जलाना एक शुभ कारज मन्या जांदा। ये तुसी भी जानदे हो और समस्त संसार इसनू जानदा कि एक कहावत है ना, कहंदे है कि दिया जलेगा अंधेरा छटेगा। सो ये अंधेरे नू छटन वास्ते दिया जलाया गया। सो की संदेश है लोकां दे लई? लोकां दे लई अज मेरा यही संदेश है कि ईश्वर करे, परमात्मा करे, माता रानी अपनी कृपा करे, शीतला माता अपनी कृपा करे, ते समस्त संसार शीतल होवे और इस कोरोना नाम दी बीमारी तो समस्त विश्व नू, ना कि मेरा देश, समस्त विश्व इस महामारी तो जेड़ा उन्नू निजात मिले। सो इस बीजेपी प्रवक्ता एकता वोरा जी जिन्होंने कहा है कि जड़ा दिया जलाना एक शुभ कार्य मनिया जाता है, तुसी लगातार तस्वीर जड़ियाँ वो देख सकते हो, नोइज़ भी देख सकते हो कि इस टाइम जड़ा पटाके भी चलाए जा रहे हैं, संख की आवाज़ भी आ रही है, यानी कि लोग जड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने अपना समर्थन दे रहे हैं। कैमरामैन सुनसोड़ के विशाल शर्मा, लाइव अमृतसर। लाइव अमृतसर को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका हर कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है।